मेरा नाम अर्शिया आमिरा खान है। मैं अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट मिश्राबाद हलके से ठहरी हूँ। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ हमारे सदर साहब अलहाज मोहम्मद काजिम अली खान साहब की, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ और नॉमिनेशन डालने के बाद भी मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं सियासी लाइन में ख़दम रखी हूँ। मैं पॉलिटिक्स में एज ए सोशल वर्कर लास्ट 15 ईयर से मैं काम करती चली आ रही हूँ। हमारे पदयात्रा के दौरान हम डोर टू डोर जब गए पब्लिक के पास, उनके मसाइल को हमने देखा, जितने लोग परेशान हैं। इंशाल्लाह अगर हम जीते हैं वहाँ से एज ए MLA कैंडिडेट, तो हमको ज़रूर उनके मसाइल को हम पूरा करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। जब हल्के से ठहरी हूँ मैं, पार्टी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस। काफ़ी लोग तो हम अच्छा सही रिस्पांस दे रहे हैं। कई लोगों की शिकायत है कि ऐसे ही बोलते वोट लेते, लेकिन हमको कोई MLA कुछ नहीं करा। पिछले 20 साल से यहाँ पे हम परेशान हैं। हमारे गंदी नालियाँ बह रहे हैं हमारे मोहल्ले में, गलियों में लोगों का बड़े मसाइल महसूस हो रहे थे। अब हमको काफ़ी जानकर बड़ी मायूसी हुई, अफसोस हुआ कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। उनका कहना सही है कि जैसे वोट नोट दे के वोट लेते हैं। कुछ ने कहा कि हमको 300 रुपये किसी ने दिया है वोट डालने के लिए। मैंने कहा कि भाई 300 में तुम्हारा ज़िंदगी तो नहीं चल जाती, घर नहीं चलता, बाकी दिन देखते नहीं। यही शिकायत हमको मिलती रही। पूरी कोशिश करूँगी आवाम की तकलीफ़ को दूर करने की। उनके जो मसाइल है, कई लोगों को नौकरियाँ नहीं है, जॉब्स के मसाइल है, एजुकेशन के मसाइल है, काफ़ी लोग परेशान हैं। BPL मतलब मायूस गरीब लोग, तो माइनॉरिटीज़ के जो हकूक़ हैं उनको बराबर हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी, जो भी उनके मसाइल हैं गवर्नमेंट जो उनको देती है, उनका जो हक़ है उनको बराबर उनको दूँगी। अगर आप मेरे निशान पे वोट डालेंगे और मुझे कामयाब बनाएंगे, मेरा निशान अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस का जो है ग्रामोफोन है। और अंबेडकर आज हुकूमत ने आज़ादी दी है, औरत और मर्द दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जो हमारे भीम जी ने, अंबेडकर साहब ने ये कानून बनाए हैं कि औरतों को भी उनका हक बराबर मिले, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ एजुकेशन, तमाम चीज़ों पर। तो मैं एक बात, नमाज फजर आप ज़रूर घर से निकलिए और मेरे वोट डालने ज़रूर जाइए। और 5 नंबर, सीरियल नंबर 5 पर मेरा निशान होगा और मेरी फ़ोटो भी वहाँ आपको दिखाई देगी। ज़रूर मैं आपके मसाइल को हल करूँगी की कोशिश करूँगी। और जितने भी सरकारी स्कीमात है, हैंडीकैप लोगों की, मतलब शादी मुबारक स्कीम वगैरह, सारी चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सीवरेज, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके मोहल्लों के, आपके आपके बच्चों के, आपकी बेटी और आपकी बहन आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर मुझे कामयाब बनाएं। जय भीम, जय भारत, हम से गुजारिश है ज़रूर मुझे कामयाब बनाएंगे आप। 5 सीरियल नंबर पर बटन दबा के मुझे कामयाब बनाएंगे, मैं ज़रूर आपके तमाम मसाइल को हल करूँगी इंशाल्लाह। मैंने कई आवाम के तासुरात नोट किए, जैसे कि भोलकपुर, पहाड़ी की मस्जिद, हरिनगर वगैरह, तमाम लोग जो उनके मसाइल थे, गंदी नालियों का बहना, पानी का साफ नहीं आना, पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भोलकपुर में है, इनके मसाइल को देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। और हम अपने प्रेसिडेंट अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस से भी कहा कि उन्होंने कहा इंशाल्लाह, चाहे पार्टी लोग कहते हैं कि हार जीत तो इंसान को लगी हुई है, जीतो या हारो हम मगर आवाम के साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी हम फिर एक बार अपील कर रहे हैं आवाम से कि अगर हमें कामयाब बनाएंगे अपना कीमती वोट देकर, तो ज़रूर हम आपके साथ रहेंगे और आपके तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। भोलकपुर बड़ी पहाड़ी मस्जिद की तरफ जो हमने मसला देखा, उनका कब्रिस्तान का जो है, वो काफ़ी लोग उसकी भी हमसे शिकायत करते रहे। हम ज़रूर, हमने उनसे कहा, वादा किया कि अगर आप हमको कीमती वोट अपना देकर कामयाब बनाएंगे, तो हम तमाम आपके मसाइल को पूरे करेंगे। और आगे, मेरा नाम अर्शिया आमिरा खान है, फिर एक बार मैं आपको याद दिलाती हूँ। और मेरा निशान ग्रामोफोन है, वोटर लिस्ट में 5 नंबर पे आएगा और मेरी फ़ोटो भी आपके साथ रहेगी। आप ज़रूर मुझे कामयाब बनाएं अपना कीमती वोट देकर। बटन 5 नंबर पर दबाए, ग्रामोफोन मेरा निशान है। मशीराबाद हल्के असेंबली से ठहरी हूँ मैं इंशाल्लाह।